गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके संबंध में झूलेलाल मंदिर के पुजारी सुखदेव गिलानी ने बताया कि 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 71वां शोभा यात्रा है। कोरोना की वजह से शोभा यात्रा 2 साल बंद थी। इस शोभा यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल होंगे। झूलेलाल मंदिर में 40 दिन अखंड दीप जलती है। 40वें दिन शोभा यात्रा निकालकर नदी में विसर्जित किया जाएगा, जिसमें 1000 से ज़्यादा महिलाएँ व पुरुष शामिल होंगे, जो कि गोरखनाथ, हुमायूंपुर, जटाशंकर पोखरा, अलीनगर बैंक रोड से गोलघर होते हुए राजघाट पहुंचकर नदी में विसर्जित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए झूलेलाल मंदिर के पुजारी सुखदेव गिलानी ने कहा, शाम को ये कार्य भव आरती होती है ना देवी, राजा शोभा यात्रा की फुल तैयारियां चल रही। इस समय जुलूस रहेगा, झूलेलाल की मूर्ति रहेगी, झांकियां रहेंगी, पूरा गोरखपुर सिंधी समाज उस जलूस में शामिल होता है, यहाँ से लेके राजघाट तक। लगभग कितने लोग शामिल होने के आए? पूरा गोरखपुर समाज, लगभग 2000-2500 आदमी रहते हैं। मेरा नाम सुखदेव गिलानी। क्या आप मंदिर के मंदिर के हम पुजारी। 25 अगस्त को यहाँ से तो झूलेलाल का शोभा यात्रा निकलना है, कितने सालों से निकलता आ रहा है, क्या ये हम लोग को जुलूस को हो गया 70-71 साल हो गया जुलूस मनाते हुए। तब से हम लोग जब बचपन से ही पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं जुलूस, उसके बाद हम लोग भी 71 साल के हो गए। कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। हमारे यहाँ से इस मंदिर में सवेरे हवन 40 दिन, जो आज क्या तारीख हो गई, 40 दिन यहाँ पूजा अखंड जोत जल रही है, ये लगातार आज 34 दिन हो गए, 35 दिन, ये 40वें दिन इनका विधि विधान से पूजा हवन वगन हो जाएगा। उसके बाद घर से जितनी औरतें हैं सब लेडीज लोग अपना अपना थाल सजा के ले आती हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं, और झांकियाँ निकलती हैं हम लोग की देश के प्रति, जो आजकल घटनाक्रम हो रहे हैं उसी पर झांकियाँ निकलती हैं। 2 साल कोरोना काल चला था इसलिए जुलूस में कोई जुलूस निकला नहीं था, सादगी से हम लोग मनाए थे। कितने बजे निकलेगा ये जुलूस? दोपहर में करीब करीब सवेरे पूजा हो जाए 2-3 बजे निकलता है जुलूस। कितने लोग लगभग शामिल होंगे? कोई अंदाज नहीं रहता, लाखों हजारों आदमी आते हैं यहाँ से गोरखनाथ होके हिमाऊपुर से, जटाशंकर पोखरे से होके अलीनगर, अलीनगर से बैंक रोड, बैंक रोड से गोलघर होते हुए राजघाट विसर्जन होता है।